हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको 12th क्लास की पोएम नाइटिंगेल्स बाय रॉबर्ट ब्रिज के बारे में बताएंगे। प्रस्तुत कविता में कवि प्रसन्नचित व मीठे स्वर में चहचहाती हुई बुलबुलों को देखता है। कवि उन बुलबुलों से जानना चाहता है कि वे इतना आनंदमय व मीठा संगीत किस सुंदर स्थान से लेकर आई हैं। बुलबुलें उत्तर देती हैं कि उनकी प्रसन्नता व मीठा गान किसी स्थान से नहीं लाया गया, वह तो उनके हृदय की पीड़ा से उपजा है। हिंदी लाइन 1-6। वे पहाड़ जहाँ से तुम आती हो अवश्य सुंदर रहे होंगे, जहाँ से तुमने अपना गीत सीखा है उन घाटियों में जल धाराएँ उज्ज्वल रही होंगी, वे तारों से अंकित वन कहाँ हैं। लाइन 7-9। ओह, मैं वहाँ टहल सका होता उन फूलों के बीच में, जो वहाँ की स्वर्ग तुल्य वायु में वर्ष भर खिलते रहते हैं। लाइन 10-18। नहीं, वे पर्वत जो उजड़े हुए हैं और वे जल धाराएँ सूख चुकी हैं, हमारा गीत तो हमारी कामना की पुकार है जो हमारे सपनों में घूमती रहती है। हमारे दिल का एक दर्द है जिसकी दृश्यावलियाँ उन गहरी आशाओं को धूमिल कर देती हैं जिनके बारे में सोचना भी मना है। हमारा संपूर्ण कौशल भी हमारे गीत के दर्द व लंबे विश्वास के रहस्य को नहीं बता सकता है। लाइन्स 19-25। मनुष्यों के आनंदित कानों में हम एकाकी रूप से ऊंची ध्वनि से अपने रात्रिकालीन काले भेद को उड़ेल देती हैं, और फिर जब मधुर बसंत से सज्जित घास के मैदानों व मई मास की पुष्पमयी टहनियों से पर से रात हटती है, जब अनगिनत प्रकार के पक्षियों का समूह गान दिन के प्रातःकाल का स्वागत करता है, तब हम सपने में डूब जाते हैं। सेंट्रल आइडिया द पोएम इमेजाइंस दैट द स्वीट सिंगिंग नाइटिंगेल्स मस्ट हैव लर्नड देयर सॉन्ग From one beautiful mountains, the fruitful and streaming valleys and the flowery and starry woods, the nightingales reply that the poet's guess is not correct. Their song is sweet because it is the voice of their unfulfilled desire, their throe of heart, their pining vision and their dark nocturnal secret. That is why it is so sweet. Word meaning line 1-6. Whence means from here, जहाँ से। E means you, तुम। Fruitful means full of beautiful trees, फलदार वृक्षों से लदी हुई। Where from means from here, कहाँ से। Starry means full of star, तारों वाला, तारों से भरा हुआ। Woods means forest, जंगल। Line 9-9। Wander, walk aimlessly, यों ही टहलना। Heavenly of heaven, स्वर्ग किसी। Bloom means grow, फूलों का खिलना। ईयर लॉन्ग मीन्स होल ईयर, पूरे वर्ष भर। लाइन 10-18। ने मीन्स नो, नहीं। बैरन मीन्स डिजर्टेड, उजड़े हुए। स्पेंट मीन्स फिनिश्ड, एग्जॉस्टेड, थक चुक चुके, खत्म हो चुके। हॉन्ट्स मीन्स विजिट्स, रिपीटेडली बार बार आता है। थ्रो मीन्स पेन, कष्ट दर्द। पिनिंग मीन्स पेनफुल, तड़पाने वाला, व्याकुल कर देने वाला। विजन मीन्स इमेजिनरी सीन, काल्पनिक दृश्य। डिम मीन्स फेंट, धूमिल। फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड, जिसकी अनुमति ना हो। प्रोफाउंडन मीन्स डीप, गहरी। डाइंग मीन्स डिक्रीजिंग, घटता हुआ। कैडेंस मीन्स म्यूजिक, सॉन्ग, संगीत, गीत। साउंड मीन्स प्रोड्यूस, साउंड, आवाज़ उत्पन्न करना। लॉन्ग साई मीन्स डीप सॉबिंग, गहरी सिसकी भरना। फॉर यहाँ पर विद द्वारा। आर्ट मीन्स स्किल, कौशल। लाइन 19-25। अलाउड मीन्स लाउड, तेज आवाज में। रैप्चर्ड मीन्स चार्म्ड, मुग्ध। फुल ऑफ जॉय मीन्स आनंदित। पोर मीन्स फिल, भर देना, उड़ेलना। डार्क मीन्स मैजिकल, मिस्टीरियस, जादू वाला, रहस्य वाला। बेड्रॉन मीन्स गोज बैग, वापस जाती हैं। स्प्रिंग मीन्स फ्लावरिंग, पुष्पित होता हुआ। मीडो मीन्स ग्रेजी फील्ड, घास वाले मैदान। बर्स्टिंग मीन्स फ्लावरिंग, फूलों से लदा हुआ। बो मीन्स ब्रांचेस, शाखाएँ। इन्यूमरेबल मीन्स काउंटलेस, असंख्य। क्वार मीन्स ग्रुप सॉन्ग इन ए चर्च, गिरजाघर में होने वाला समूह गान। डाउन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह तड़के। एक्सप्लेनेशन ब्यूटीफुल मस्ट बी से लेकर स्टेरी वुड्स लाइन्स 1-6। रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाइटिंगेल्स कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्रिज। कॉन्टेक्स्ट द नाइटिंगेल्स सिंग ए वेरी लाउड वेरी स्वीट सॉन्ग। द पोएट इज इन मॉर्न ऑफ दिस म्यूजिक, ही फील्स दैट द नाइटिंगेल मस्ट हैव लर्नड सच ए song from some very beautiful place, he wants to know the place from them. Explanation
रॉबर्ट फ्रिस्ट आस्क द नाइटिंगेल्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम वेयर दे केम। ही फर्दर इमेजाइन दैट दे मस्ट हैव लर्न्ड देयर सो स्वीट ए सॉन्ग फ्रॉम द ब्राइट स्ट्रीम्स दैट फ्लो थ्रू द फ्रूटफुल वैलीज। ही आस्क द नाइटिंगेल्स द लोकेशन ऑफ द स्टार स्टडर्ड फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर दे हैव लर्न्ड देयर वेरी स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट है ओ माइट आई से लेकर द ईयर लॉन्ग लाइन 7-9 रेफरेंस सेम है। कॉन्टेक्स्ट द पोएट इमेजाइन्स दैट द नाइटिंगेल मस्ट हैव लर्न्ड देयर सो स्वीट ए सॉन्ग फ्रॉम सम ब्यूटीफुल माउंटेन्स वैली और स्टेरी वुड्स। ही टू वॉन्ट्स टू विजिट दोज प्लेसेस फ्रॉम वेयर द नाइटिंगेल्स बोरो देयर चार्मिंग सॉन्ग। एक्सप्लेनेशन द पोएट लॉन्ग्स टू रूम अबाउट द ब्यूटीफुल फ्लावर विच ब्लूम throughout the year and remain fresh in the atmosphere charged with sweetly scented air. He wants to go there to enjoy the beauty of the mountain, the valley, the stream and the forest from where the nightingales learn their sweet song. Next hai alone aloud se lekar welcome to dawn line hai 19-25 reference same hai. Context: The nightingale have been telling the poet the reason behind their sweet yet painful song. In this stanza, also they continue telling the same. Explanation: The nightingale have a mysterious nightly secret that they narrate the man in loud tone. The man do not understand the painfulness of the song. They rather enjoy it. The nightingale go on singing their pain till the night retires from the beautiful flowery grassy fields. Night leaves the blue blossoming trees of the summer. The morning arrives and with it come the countless birds chirping among the boughs. Thanks, best of luck.